इस वक्त हम मौजूद हैं मेन रोड स्थित जो मल्लाह टोली है उसके समीप हनुमान मंदिर है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसी हनुमान मंदिर के गेट को तोड़ करके रात में असामाजिक तत्वों के द्वारा जो हनुमान जी की मूर्ति है उसको क्षति पहुंचाया गया है। ईंट पत्थर से जो है उस पर फेंका गया है, जिससे कि मूर्ति के कई हिस्से जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल आप तस्वीर देख रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा कर्मियों की तैनाती काफ़ी कर दी गई है, वज्र वाहन भी बुलाए गए हैं। आप जान रहे हैं कि अभी नवरात्र का त्यौहार चल रहा है और ऐसे में आज तीसरा दिन है। सुखदेव नगर ये मेन रोड है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सुखदेव नगर इलाके से भी कई लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सीओ सर हैं, इनसे ही जानते हैं। सर क्या हुआ है यहाँ पर, क्या हुआ है अभी? वह अभी आधिकारिक बयान है एसपी साहब। अच्छा, तो फिलहाल अधिकारी जो है कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो हनुमान जी की मूर्ति है उसको जो क्षति पहुँचाया गया है उसके बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा है और इसलिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है जवानों की तैनाती की गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मेन रोड स्थित जो गुरुद्वारा है उसके सामने की, कई बस यहाँ पर बुलाए गए हैं, वज्र वाहन बुलाए गए हैं। हाल के दिनों में आपने देखा था कि मेन रोड स्थित जो हनुमान मंदिर है वहाँ भी पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस को गोली भी चलाना पड़ा था, लेकिन उसके बाद ये अब जो घटना सामने आई है वो है मल्लाह टोली समीप जो पवनसुत हनुमान मंदिर है, इसमें रात में ताला तोड़कर अंदर जो है कुछ असामाजिक तत्व प्रवेश करते हैं और फिर जो मूर्ति है हनुमान जी की उसको क्षति पहुंचाया गया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं मेन रोड स्थित, यही वो हनुमान मंदिर है जिसका ताला तोड़कर आप देखिए कितनी तादाद में यहाँ पर पुलिस कर्मियों को बुलाया गया है। जिधर आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आएंगे। काफी सेंसिटिव इलाका है ये, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी मुस्तैदी रखी जाती है और अब जो है कई थाने की पुलिस यहां पर पहुंची हुई है। फिलहाल लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जो मंदिर के प्रबंधन के लोग हैं वो लिखित शिकायत देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लोगों में गुस्सा है। हम यहां के लोगों से ही जानना चाहेंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या हुआ था भैया? सब लोग अपने घर पे थे, 3 बजे सुबह में आए, मतलब किसी ने शायद सीसीटीवी बता रहा है, ठीक है, कि ताला तोड़ के, ठीक है, मंदिर को मूर्ति अंदर में खंडित कर दिया। जब सुबह 6 बजे हमारे मोहल्ले का एक है खोलने आया मंदिर का ताला, तो देखा अंदर का हाथ मुंह के पास पूरा मूर्ति खंडित है। सीसीटीवी लगा हुआ है? सीसीटीवी अब काम कर रहा, नहीं कर रहा, पता नहीं चल रहा है। प्रशासन तो किसी को अरेस्ट किए उससे। झारखंड में हेमंत सरकार पूरा फेल हो गया है। झारखंड में हेमंत सरकार पूरी तरह फेल हो गया है। अभी 2-3 महीने पहले ही दंगा रांची में हुआ था, उस समय आपका काली मंदिर, प्राचीन काली मंदिर, बजरंगबली मंदिर, वहां पर अटैक किया गया, पूरा मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया, मूर्ति खंडित करने का प्रयास किया गया। ये क्या हो रहा है रांची में? ये हेमंत सरकार क्या चाहती है रांची में? ये तो आस्था में ठेस पहुँच ही रहा है। इस दुर्गा पूजा हम लोग खराब किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि रांची के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? क्या लग रहा है रांची के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? एकदम माहौल को बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है। एक धर्म के लोग जो है नहीं चाहते हैं कि हम लोग कोई भी खुशी से त्यौहार मनाएं। दशहरे का समय है अभी और इस पे एकदम माहौल बिगाड़ने की कोशिश किया जा रहा है। क्या आप लोग लिखित शिकायत दे रहे हैं? हाँ, लिखित शिकायत हम लोग कर दिए हैं, FIR किया गया है। SP साहब भी आए थे, अभी सांत्वना दे के गए हैं, मंदिर का मूर्ति बनवाया जाएगा। इससे पहले भी इस मंदिर पर हुआ है क्या? नहीं, इससे पहले तो कुछ इस तरह से नहीं हुआ है, ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट लिया गया है इसमें।
तो ये दूसरी घटना है, इससे पहले मेन रोड बड़ा मंदिर जो है उस पर हुआ था। मेन रोड पे तो एक बार बहुत बड़ा मंदिर हनुमान मंदिर में हुआ था। और भी लोगों से हम माहौल रहेगा तो हिंदू चुप नहीं रहेगा, पूरा हिंदुओं में आक्रोश है। बराबर हिंदुओं को भगवान पे मंदिर पे हमला होते रहता है, अगर यही हाल रहेगा तो हिंदू चुप नहीं रहेगा। मैं चेतावनी देता हूँ प्रशासन को कि प्रशासन अपना जो है सो ये करे। क्या हुआ भैया, कब हुआ? देखिए, सुबह 3 बजे कोई शरारती तत्व जो चाह रहा कि सामाजिक सद्भाव बिगड़े, उस व्यक्ति ने मूर्ति को खंडित किया। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि शरदीय नवरात्रा है, अगर कुछ वायलेंस होने से शहर ही नहीं झारखंड डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये गहरी साजिश है। हम लोग ये मानते हैं गहरी साजिश है, और प्रशासन से भी अपील करते हैं कि केवल कालपीठ को पकड़ा नहीं जाए, उसकी तह तक जाए कैसा हुआ तो क्यों हुआ। शहर में बार बार ऐसी घटनाएं हो रहे हैं, हम उसकी तह तक जांच की मांग करते हैं, और जो कुकृत किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हैं। इससे पहले भी यहाँ पर इस तरह की घटना हुए थे रांची में, अनेक जगह पे हुए हैं। अगर छानबीन कीजिएगा तो वहाँ पर बाजार में भी हुआ है, बहुत सा जगह हुआ है। कहीं ना कहीं तो साजिशें चल रही हैं, इनको समझना होगा। लेकिन जोश में होश नहीं खोना है, करने वाला किया, हम लोग उसको कैसे रोकें भविष्य में ना हो, इस विषय में भी आपके माध्यम से प्रशासन को हम लोग अपील करते हैं। तमाम धार्मिक संगठन के लोग जुटल हैं यहाँ पर, सभी लोग आक्रोशित हैं, लेकिन हिंदू हैं, खून उबलता है लेकिन नजायज हम नहीं करते हैं। महिला भी यहाँ पर काफी, क्या लगता है कि जान करके एक धर्म के आस्था पर जो है चोट पहुँचाया जा रहा है? ये तो जानकर ही एक आस्था के ऊपर चोट पहुँचाया जा रहा है। शरद नवरात्रा है, इस नवरात्रा का माहौल बिगाड़ने का भी प्रयास है। प्रशासन से हम अपील करते हैं कि इसका जड़ तक जाए, और इस जो घटना घटी, इस घटना का हम लोग कड़ी निंदा करते हैं, और इसमें कड़ी जांच का हम लोग आश्वासन चाहते हैं कि कड़ी जांच हो, कि आने वाला दुर्गा पूजा में कहीं दुर्गा पूजा बना हो उसमें आके कहीं खंडित ना कर दे, कहीं जुलूस निकल रहा है उसमें आके कहीं पत्थलबाजी ना कर दे। हम आपके माध्यम से रांची प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसको सीरियस होकर इसे देखे, कड़ी से कड़ी इसमें कार्रवाई करे, यही हम उनसे आग्रह करते हैं। बिल्कुल, लोगों में आक्रोश है और सभी यही चाहते हैं कि जो माहौल है वो बिगाड़ने की जो कोशिश हुई है वो ना हो। सभी सामाजिक संगठन के लोग अपील कर रहे हैं कि जो यह नवरात्र का अभी दिन चल रहा है, ऐसे में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो, क्योंकि रांची में जो है दुर्गा पूजा बंगाल के बाद सबसे खास होता है। बेहतरीन यहाँ पर पंडाल बनते हैं, लोग काफ़ी आस्था और विश्वास के साथ इस पूजा को, त्यौहार को मनाते हैं। तो ऐसे में ये जो असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रयास किया गया है, इसे रोकने की कोशिश की जाए, जांच की जाए, और जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए।